नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इन्फोसिस के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। किस तरीके का रहे इम्पैक्ट, क्या पड़ता हुआ दिखाई देगा कल के दिन नतीजों के दम पर। अभी तक जितने भी आईटी कंपनियों के नतीजे आए हैं सारे ही नंबर अच्छे देखने को मिले हैं, तो सारे ही आईटी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अब कल इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा आफ्टर मार्केट नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, या हम बात करने वाले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। सारे जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे करोड़ में देखने को मिलेंगे। तो इस क्वार्टर की अगर मैं आपसे बात करता हूँ जून क्वार्टर में किस तरीके का नंबर है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर अगर देख रहे हैं 39,315 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में लगभग 37,923 करोड़ रुपए था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक अच्छी जंप जो है वो देखने को मिल रही है रेवेन्यू के टर्म में। साल दर साल भी देखिए तो 37,933 करोड़ से बढ़ के 39,315 करोड़ का ये नंबर जो है आपको देखने में, तो साल दर साल भी एक अच्छी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की कि किस तरीके की एक्सपेंसेस क्वार्टर में होती हुई दिख रही है, 31,132 करोड़ की एक्सपेंस इस क्वार्टर में होती हुई दिखाई दी, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर मैं देख रहा हूँ 30,412 करोड़ थी। तो लगभग 600-700 करोड़ से जो है एक्सपेंस इस क्वार्टर में आपको क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ते दिख रही है। साल दर साल देखिए 30,132 करोड़ से एक्सपेंस बढ़ के 31,132 करोड़, यानी 1,000 करोड़ से एक्सपेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स एक्सपेंस निकालने के बाद इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है कंपनी को, वो है 6,374 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 7,975 करोड़ का देखने को मिला था। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, अगर आप इस चीज को गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको एक आंकड़ा देखने को मिलेगा जो था अदर इनकम का, यानी कि यहाँ पे अदर इनकम में पिछले क्वार्टर में आपको 2,729 करोड़ का अदर इनकम का आंकड़ा था, जिसके कारण आपको ये टोटल इनकम का नंबर बड़ा देखने मिल रहा है, जो कि इस क्वार्टर में 838 करोड़ का है, लास्ट ईयर ये 561 करोड़ का था। तो इसके कारण आपको पिछले क्वार्टर का आंकड़ा बड़ा देखने मिल रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपेरेबल नहीं होगा, लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे 6,374 करोड़ को 5,945 करोड़ पिछले क्वार्टर में, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये नंबर था, तो ये नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेरेबल है। तो ये ज्यादा अच्छे नंबर है समझने के लिए कि यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त देखने मिल रही है साल दर साल। तो ये यहाँ पे आपको प्रॉफिट का नंबर देखने मिला जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी जो थी वो लगभग 6,300 करोड़ के आसपास की थी, तो कहने के उस नंबर से ऊपर का नंबर आता हुआ दिख रहा है। तो कहने के नंबर जो है वो आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की भी अगर इस क्वार्टर में मैं आपसे बात करता हूँ किस तरीके की ईपीएस आ रही है, 15 रुपए 38 पैसे की ईपीएस इस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में 19.25 थी 19 रुपए 25 पैसे, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 14 रुपए 37 पैसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस जो है वो घटी है, लेकिन साल दर साल बेसिस पे ईपीएस को देखेंगे तो वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें स्टॉक प्राइस के लिहाज से किस तरीके का स्टॉक आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है, लगभग 2.25% के आसपास की तेजी 1,758 पे क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है आज के दिन स्टॉक की। लोअर लेवल से अगर हम देखते हैं सुबह से एक अच्छी खासी तेजी है, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही क्लोज होता हुआ कहीं के स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। 1,765 का इंट्राडे हाई लगा है और आज यहाँ पे नया 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं 52 वीक हाई के आसपास जाके बंद होता हुआ दिखाया। 1,12,00,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने मिले, तो नतीजों से पहले एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिली। पूरा आई टी पैक मजबूत था, तो अच्छे नतीजे की उम्मीद के दम पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर ने यहाँ पे पॉजिटिव उम्मीद बनाई है, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है कल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर चार्ट्स पे देखें क्या मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो हमने देखा पिछले 1-1.5 महीनों में इस स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले महीने जब जून में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उस दिन इस स्टॉक ने एक लो बनाया था लगभग 1,358 रुपए के आसपास का, और उसी के आसपास इस स्टॉक में एक बेस भी बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले क्वार्टर में जो नतीजे आते हुए दिखाई देते जिसका इंपैक्ट 19 अप्रैल के आसपास होता हुआ दिखाई दिया था, हमने देखा था, तो उस समय भी लगभग 1,360-1,380 के आसपास इस स्टॉक ने बेस बनाया था, और लगभग 1.25 महीने तक इस स्टॉक ने उसी लेवल पे कंसोलिडेट किया। और फाइनली जैसे ही इस स्टॉक में हमने देखा 1,475-1,480 के आसपास का ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद से स्टॉक में आपको एक जबरदस्त अपमूव देखने मिला। 200 EMA का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया, उस लेवल पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद पिछले 1 महीने से लगातार कंसिस्टेंट रैली जो है आईटी पैक में और खासकर इंफोसिस ने उसे रैली को जो है वो लीड किया है। अब अगर हम देख रहे हैं इस स्टॉक ने आज कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल पार किया है, वो है 1,730 का, जो कि कहीं ना कहीं हमने देखा था फरवरी के महीने में पीक होता हुआ दिखाई दे। स्टॉक 1,730 के आसपास का एक अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में देखने मिला था, और आज 1,730 के ऊपर जैसे स्टॉक चलना चालू किया तो आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला। तो कल के दिन के लिए पहला जो सपोर्ट रेंज अगर मैं बात करूं तो वो 1,730 का लेवल होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको आपको नजर में रखना चाहिए।
और यहाँ से अगर एक अच्छी खासी तेजी बनती है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे देखने को कहने के मिल रहे हैं, और शाम को आज एडीआर आप देखेंगे अमेरिका में, उसमें आपको साफ रिएक्शन देखने को मिल जाएगा कि इसके ऊपर किस तरीके के इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब ज्यादा बड़े वाइड स्विंग्स आएंगे नहीं आएंगे इसकी उम्मीद इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि टीसीएस के नतीजों के बाद से कहने के अगर आप देखें पिछले 3 दिन में स्टॉक लगभग 1650 से 1760 तक की रैली दिखा चुके हैं, कि ऑलमोस्ट 100 सवा 100 रुपए की रैली जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिली है पिछले 3 4 दिनों में। तो कहीं ना कहीं नतीजे अच्छे नतीजे की एक्सपेक्टेशन थी, तो हो सकता है एक बार गैप अप खुलता है तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से ज्यादा बड़ी गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गिरावट होती है तो वहां पे भी 1650 एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे सकता है, कहीं ना कहीं स्टॉक के हिसाब से अच्छी खासी रैली हुई है। आरएसआई पे भी अगर देखें तो स्टॉक ओवरबॉट सिचुएशन में चलता हुआ दिख रहा है, 83 के आसपास कहीं ना कहीं आरएसआई चलता हुआ दिख रहा है। लगातार यहाँ पे आपको एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जैसे 70 के ऊपर आरएसआई आया उसके बाद से स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो अब इस स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई लेवल है वो लगभग लगभग यहाँ पे 2022 के आसपास या 2021 के आसपास लगभग लगभग लगता हुआ दिखाई दिया था। शुरू में वो था लगभग 1915 1920 के आसपास का, और उस लेवल से अभी भी स्टॉक ये लगभग लगभग 150 रुपए से ज्यादा की दूरी पे खड़ा हुआ है। तो अब हो सकता है कि क्या ये स्टॉक आपको 1900 1920 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या ये स्टॉक पहले 1900 छुएगा या फिर ये पहले 1600 रुपए के लेवल को छूता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।